गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, के बारे में पढ़ा था कि फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। फिर इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फाइनेंशियल सिस्टम के लिए कार्य करती है, उनके बारे में पढ़ा था। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा था कि नॉन बैंकिंग उसके बाद हमने रोल ऑफ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा कि जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या रोल है, ठीक है। कुल मिला के यूनिट फोर्थ का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था फाइनेंशियल सिस्टम, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए क्या क्या पढ़ा था हमने इसमें, मैंने ठीक है इसका अर्थ भी पढ़ चुके थे।
बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का रोल हमें पता है, क्योंकि जो बैंक का रोल हमें बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में हमने नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के रोल हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। और इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशंस के, ठीक है, यानी इन दोनों बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, तो ये हम पढ़ चुके थे। कुल मिला के हमने वित्तीय प्रणाली का अर्थ जान लिया था। और वित्तीय प्रणाली का अर्थ क्या होता है? जो बचत करता है, बचत करता है, और वित्त की आवश्यकता, वित्त की या धन की आवश्यकता। किसके बारे में? फाइनेंशियल सिस्टम के मेन कंपोनेंट के बारे में। फाइनेंशियल सिस्टम के मेन कंपोनेंट क्या है? वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय साधन, फाइनेंशियल रिसोर्स और वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी ये जो चारों मेन कंपोनेंट है किसके? फाइनेंशियल सिस्टम के। फाइनेंशियल मार्केट की बात हम करें तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट इसमें शामिल हो जाएगा। वित्तीय सेवाओं की यदि हम बात करें तो वित्तीय सेवाओं में क्या है? तो अभिकोपन की सेवा दी जाती है, ठीक है, अंडर राइटिंग की सेवा दी जाती है, गारंटी की सेवा दी जाती है और पुनर्मित रीफाइनेंसिंग की सेवा दी जाती है इन वित्तीय प्रणाली के द्वारा। वित्तीय साधन की हमने बात की, फाइनेंशियल रिसोर्स की, तो फाइनेंशियल रिसोर्स कितने तरीके के प्राप्त किए जा सकते हैं या फाइनेंशियल रिसोर्स कितने तरीके के होते हैं? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। यदि हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की यदि हम बात करें तो वो किसमें शामिल हो जाएगा? वो कैपिटल मार्केट में शामिल हो जाएगा। उसके बाद हमने बात की वित्तीय संस्थाओं की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। तो वित्तीय संस्थाओं की यदि हम बात करें तो वित्तीय संस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ये हमने बात की थी मेन कंपोनेंट की। उसके बाद हम नॉन बैंकिंग और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की बात की कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इनके डिफरेंस के बारे में हमने जाना कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जाता है जबकि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्रेडिट को क्रिएट करने का यानी
करने का क्रिएशन का कार्य नहीं करती है। फिर हमने जाना कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लोन प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जबकि जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में केवल केवल लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर जाना कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को लोन की रिकवरी में बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को इन सब समस्याओं का सामना बहुत ही कम करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं ये लिक्विडिटी पर ज़्यादा ध्यान देती है। ठीक है, मैंने बताया भी था, एग्जाम्पल भी दिया था कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी पर किस प्रकार से ज़्यादा ध्यान देती है, और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की यदि हम बात करें तो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी पे इतना ध्यान नहीं देती है। क्यों नहीं देती? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कार्य करती है। उसके बाद बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के रोल के बारे में हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के रोल के बारे में हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर बैंक पढ़ा था, उसमें हम बैंकों के जो महत्व है, बैंकों का जो इम्पोर्टेंस है, रोल है, फंक्शन है, वो हम पढ़ चुके थे। यहाँ पर यदि हम नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के जो फंक्शन है या बात करें क्या रोल है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, तो देखिए नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ये फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कैपिटल मार्केट में स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं, और जो सेविंग्स होती है उनको मोबिलाइज करने का कार्य करते हैं, इंटरेस्ट रेट को लो करने का कार्य करते हैं। ठीक है, जो लोनेबल फंड है उनके ये ब्रोकर्स होते हैं, दलाल होते हैं, और ये पैमाने की उम्मीद पैदा होते हैं, इकोनॉमी को स्केल पर कार्य करते हैं, जोखिम को ये कम करते हैं, नई संपत्ति को, नई दायित्वों का ये निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो तरलता है, तरलता प्रदान करते हैं और अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाते हैं। तो ये कुछ हमने इसके रोल के बारे में बात की थी। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम में से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है जरूर। ठीक है, एक बार हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस चैप्टर के एक या दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितना जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने लिखवाया है क्वेश्चन वैसा ही एज इट इज आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा लेकिन ये लैंग्वेज क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम,
बार नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सब इन क्वेश्चंस में आ चुका है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस का आंसर हमें किस तरीके से करना है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज वही होती है, हम याद कर लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमें लिखना क्या है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम, डिस्कस ब्रीफली कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। वित्तीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? वित्तीय प्रणाली के संघटकों, ठीक है। संगठक की जगह हिंदी में ध्यान रखना, वो अव्यय भी दे सकता है, ठीक है। तो वित्तीय प्रणाली के संघटकों या अव्ययों का संक्षेप में क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। बस हमें वर्णन पर ध्यान देना है सबसे पहले तो, कि वो बोलना क्या चाह रहा है, क्या हमसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देना चाहे, ठीक है। तो देखिए वित्तीय प्रणाली के संगठक अवयवों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब देखिए हमें इतना पता है, आपको वित्तीय प्रणाली के बारे में आपको पता है, ठीक है, और वित्तीय प्रणाली के संगठक के बारे में आपको पता है। तो हमें लिखना कैसे है, लिखना हमें शुरू करना है ये नंबर देखिए कि कितने नंबर का क्या पूछा है। यहाँ पर देखिए 5 मार्क्स का तो इन्होंने क्या पूछ लिया, फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग ही पूछ लिया 5 मार्क्स का, ठीक है। और उसके बाद 3 मार्क्स का इन्होंने क्या पूछ लिया, कंपोनेंट पूछी। अब इन्होंने जो 5 मार्क्स का इन्होंने क्या पूछा है, मीनिंग पूछा है, तो हमें मीनिंग किस प्रकार से हमें मीनिंग को लिखना है या किस प्रकार से हमें मीनिंग करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने यहाँ से साफ कर देती हूँ इसको, इनको भी समझ लीजिए। देखिए यदि हम वित्तीय प्रणाली के मीनिंग के बारे में बात करें तो वित्तीय प्रणाली का मीनिंग होता क्या है, ठीक है। हमने वित्तीय प्रणाली का मीनिंग पढ़ा कि यह क्या करता है, बचत करता और वित्त की आवश्यकता रखने वाले के मध्य सेतु या फिर कड़ी बोली, ये कड़ी का कार्य करता है, ठीक है। ये लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी, ठीक है। और भी आपके बुक के अंदर बहुत सारी लाइन लिखी हुई है, संक्षेप में भी इसका अर्थ लिखा हुआ है। जो मैंने छोटे अर्थ में संकुचित अर्थ में, ठीक है, बचत करता है,
किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है? बचतकर्ता और सेतु के मध्य कड़ी का कार्य जो वित्तीय प्रणाली है उस वित्तीय प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तो ये तो अर्थ क्या हो गया, संक्षेप में हो गया, संकुचित अर्थ हो गया। उसके बाद हम विस्तृत अर्थ कि वित्तीय प्रणाली का अर्थ उस अवस्था से है जिसमें बचत और निवेश करने वालों के बीच में निकट संबंध स्थापित हो। कर अर्थव्यवस्था में वित्तीय संसाधनों का संग्रहण, नियोजन, निर्वहन किया जाता है। यानी वित्तीय प्रणाली के द्वारा वित्तीय संसाधनों का क्या किया जाता है? प्रबंधन किया जाता है, नियोजन किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। इतना लिख दिया। अब हालांकि हमने ये लाइनें लिखी तो सिर्फ चार लाइनें ही हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, निष्कर्ष भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तीन चार लाइनें अर्थ की हो गई। ठीक है, और तीन चार लाइनें आप इसकी लिख सकते हैं, निष्कर्ष की आप लिख सकते हैं। जब अलग से आपको 5 मार्क्स पूछा जाए मीटिंग का, तो हमेशा ध्यान रखना आपको निष्कर्ष भी लिखना पड़ेगा। यदि अलग से वो 5 मार्क्स दे रहा है, ठीक है, यदि क्वेश्चन में 5 मार्क्स और 5 15 नहीं होता, सीधा ही 20 मार्क्स दे देता, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है ये भी ध्यान से सुनिए। तब आपको केवल संक्षेप में जो मीनिंग है वो लिखना है और विस्तृत अर्थ इसका लिखना है। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका 20 नंबर में ही पूरा क्वेश्चन क्या है, समाहित है। ठीक है, तब आपको निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता नहीं है मीनिंग में। लेकिन यदि मीनिंग में अलग से मार्क्स उसमें दिया हुआ है कि 5 मार्क्स का मीनिंग है, तो उसमें आपको अलग से निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वित्तीय प्रणाली के संघटकों अवयवों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब वित्तीय प्रणाली के जो संगठक है, संगठक का मतलब जो कंपोनेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्कस ब्रीफली कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, ब्रीफली यानी संक्षेप में आपको जो कंपोनेंट है उसका वर्णन करना है। संक्षेप में क्यों बोला, क्योंकि यदि हम संक्षेप में कंपोनेंट का वर्णन नहीं करेंगे तो हमारे 15